Assalamualaikum. Hi guys, welcome back on my channel. And my name is Nilofer and you are watching Nilofer's vlog. और जो लोग आज पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें जिससे मैं और अच्छे वीडियोस बना पाऊँ. और फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं शाम के 6:30 और अली इन्जॉय कर रहे हैं अपना, अभी उन्होंने मिल्क लिया है और अभी वो इन्जॉय कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं. और इनके पापा भी आ चुके हैं तो अभी जस्ट हम लोगों ने शाम की चाय पी है और कुछ स्नैक्स लिए हैं. तो अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ शाम के खाने की, डिनर की. तो बस मैंने अभी अभी दाल रखी है खाने बनाने के लिए और दाल चढ़ा दी है मैंने कुकर में. और ज़्यादातर मैं शाम को पूरा खाना बनाती हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं दिन में तो ये रहते नहीं हैं, ऑफिस में रहते हैं तो मुझे दिन में तो अकेले ही रहती हूँ तो मैं आराम से कुछ भी बना के खा लेती हूँ. बट शाम में सारे लोग होते हैं, मीन्स मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं तो हम लोग पूरा ही खाना बनाते हैं, मीन्स दाल रोटी सब्ज़ी एंड चावल. तो अभी तो मैंने दाल रखी है. दाल के साथ डिनर में मैं आज बना रही हूँ भरवा भिंडी और ये बहुत ही डिलीशियस है, होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है. तो आज मैं भरवा भिंडी बना रही हूँ. उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने भिंडी वॉश करके पहले सुखा ली है, देन अभी मैं उसमें कट लगा रही हूँ बीच से ऊपर की और लास्ट की कट करके बीच में एक लंबा कट लगा रही हूँ जिसके अंदर मैं मसाला भर सकूँ. तो अभी ये प्रोसेस हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊँगी. मसाले में मैं लूँगी थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, उसमें ही मैं ग्रीन चिलीज़ को ऐड करूँगी, पीस लूँगी. और उसके साथ टमाटो प्यूरी लूँगी थोड़ी सी, मीन्स एक टमाटर छोटा सा. और फिर उसके बाद उन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और उसमें नींबू डालूँगी. देन अलग से मैं थोड़ा सा अचार का जो मसाला होता है जिसमें सौंफ होता है और हम लेते हैं ज़ीरा, देन थोड़ा सा धनिया, खड़ा धनिया, उनको भी पीस के रख लूँगी, मैं ग्राइंड कर लूँगी. मैंने सारी चीज़ों को फ्रेंड्स ग्राइंड कर लिया है और मैं अब मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके उसमें इन सारी चीज़ों को, मसालों को डाल के मैंने सॉटे करना स्टार्ट किया है. जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तब, और पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, तब इसको हम अलग निकाल लेंगे, मसाला बन जाएगा इसको भरने के लिए भिंडी में. तो अभी मैं मसाले को अच्छे से सॉटे कर रही हूँ, भून रही हूँ और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से इसको हम सॉटे करेंगे. और फ्रेंड्स आप जब भी भरवा भिंडी बनाओ तो ध्यान रहे कि भिंडी टूटे ना, और जब अभी आप मसाले में भर के उसको डालोगे और पानी ना हो, क्योंकि अगर पानी होगा तो वो टेस्टी नहीं लगेगी और बहुत ही मीन्स बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा उसका. तो अभी मैंने इसमें मसाले में ऐड किया है रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला और ये अच्छे से भुन रहा है. फ्रेंड जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसको फिल करेंगे अपनी भिंडी में, लेडी फिंगर में अंदर अच्छे से. और देन वो सारी लेडी फिंगर्स को फिर क्या करना है कि हमें तेल गरम करना है और उसमें उन सारी भिंडी को डाल देना है. तो मैं आपको दिखाती हूँ. अब इसको अच्छे से मैंने फिल कर दिए हैं. और फ्रेंड आप इस तरह से करेला भी बना सकते हैं, करेले की सब्ज़ी भी सेम इसी तरह बनती है. और प्लस इसके साथ अगर और भी कोई सब्ज़ी बनानी हो जिसको आप फिल करके बनाना चाहते हो, जैसे शिमला मिर्च है, तो आप शिमला मिर्च को भी इस मसाले के साथ आलू बॉईल करके उसमें मैश कर लो और फिर वो पोटैटो उसमें आप करेला जो आपका शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, उसमें फिल कर सकते हो. तो ये बहुत टेस्टी बनता है. इसके अलावा आप रेड चिली जो आती है, मोटी वाली रेड चिली, आप उसमें भी इसको फिल कर सकते हैं इसी मसाले को, और वो भी बहुत टेस्टी बनता है. तो इस तरह आप ये भरवा बना सकते हो. मसाला सेम ही होता है, थोड़ा सा आप कुछ ऐड कर सकते हो या कुछ कम कर सकते हो. जैसे इसमें आप हींग ऐड कर सकते हो और चाट मसाला ऐड कर सकते हो, अमचूर ऐड कर सकते हो. तो इन चीज़ों को आप ऐड करोगे तो ये और टेस्टी हो जाता है. फ्रेंड्स यू कैन सी दैट मैं फ्राई कर रही हूँ ये लेडी फिंगर्स को. तो अभी मैंने डाल दिया है और इसको बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा आपको अलट पलट करना है. देन आपको इसको अच्छे से ढक के
भाप में बनाना है, स्टीम में इसको बनाना है, और बिल्कुल सिम पे, मतलब सिम होगी गैस तभी बनाना है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगी, और अगर आप चलाते रहोगे बार बार तो भिंडी टूट जाएगी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो अगर आप ढंग के रख दोगे तो टूटेगी नहीं, और जब आप आफ्टर 5 मिनट बाद इसको चेक करोगे तो ये गल भी जाएगी, और आप उसके बाद फिर से इसको एक बार पलट सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं रोटियां बना रही हूँ, आप देख सकते हो। एक्चुअली थोड़ा लेट भी हो गया, 9:30 हो गया। मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में, मॉर्निंग के शिफ्ट है तो उन्हें जल्दी जाना होता है, तो इसलिए हम लोग जो डिनर होता है वो 8:30 तक कर लेते हैं, बट आज थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मैं जल्दी से रोटियां बना रही हूँ, और उसके बाद फिर हम डिनर करेंगे, और देन फिर सोने की तैयारी होगी। तो और मैं तो थोड़ा लेट ही सोती हूँ, क्योंकि अली का कुछ ऐसा रूटीन नहीं है कि वो जल्दी से सो जाएंगे, तो हो सकता है उनको 1-2 घंटे उनके साथ खेलना पड़ता है, या फिर फीड करते हैं, फिर उसके बाद अपना टॉय से खेलते हैं, देन उन्हें नींद जब आती है 11:30 तक, तब वो सोते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बहुत लेट नाइट तक जगते हैं, तो हस्बैंड तो सो जाते हैं, बट मेरी ड्यूटी होती है उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें, भी बच्चा जब छोटा होता है तो ये सारी चीज़ें तो रहती ही हैं, तो इसीलिए अब बस मेरी रोटी बन जाएगी तो मैं जल्दी से डिनर सर्व करूँगी। फ्रेंड्स, डिनर जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए, है दाल, और ये जो मैंने भिंडी बनाई है वो ऐसे दिखेगी, भरवा भिंडी बाद में, और ये बहुत यमी होती है, इट्स टू यमी। और रोटी है, और मैंने बहुत सारा सैलड बनाया हुआ है, ये कुकम्बर और जो अनियन है, अनियन रात में थोड़ा कम खाते हैं, तो खूब सारा कुकम्बर है। और ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल फ्राई हो जाती है, सूखी बिल्कुल भिंडी बनती है, और ये दाल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो और मेरा डिनर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें, और मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। जितना आप शेयर करोगे उतने मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, और मुझे हौसला अफज़ाई होगी मेरी, और फिर मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँगी। और ये देखिए, मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए सर्व कर लिया है, तो बस हम जा रहे हैं खाना खाने, और अब आपसे मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे वीडियोस का वेट करिएगा, और नोटिफिकेशन बेल अगर प्रेस करेंगे तो आपको वीडियो टाइमली मिलेगा। तो टिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।